हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, सौभाग्यवती भवन सीजन 2 फ्लॉप हो गया और इसी कारण बहुत जल्द ऑफ एयर जाने वाला है। जनवरी में इसका लास्ट एपिसोड हमें देखने को मिलेगा। तो अब ये शो के ऑफ एयर जाने पे करणवीर बोहरा, जो कि सीरियल में विराज डोबरियाल के रोल को प्ले कर रहे थे, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया है और अपना रिएक्शन दिया है। उनके हिसाब से क्या चीज़ है जो कि वर्क नहीं करी, जिस करके सीरियल इतनी जल्दी ऑफ एयर जा रहा है और जिस करके सीरियल की TRP इतनी बुरी रही है। तो करणवीर बोहरा का ये कहना है कि पहले सीज़न का जो सक्सेस था वो कम्प्लीटली अनडिनाइबल था और वो सीज़न के सक्सेस को ये वाला सीज़न इस करके मैच नहीं कर पाया है बिकॉज मेकर्स ने सेम स्टोरी जो है रिपीट करने की कोशिश करी, एक तो सीज़न 1 वाली, और सेम स्टोरी को फिर से देखने में ऑडियंस इससे कनेक्ट नहीं हो पाई। और दूसरी आगे चलकर बात ये है, जब वो TRP नहीं आई उसमें उन्होंने फिर विराज डोबरियाल के करेक्टर को बढ़ाने का सोचा ताकि सीरियल में एक नई लाइफ आए। विराज डोबरियाल के करेक्टर को तो बढ़ा दिया और उसको राघव और सिया की करेक्टर वाली स्टोरी में डाल दिया, लेकिन उसके बाद करणवीर बोहरा का ये कहना है कि विराज के करेक्टर की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको काफ़ी अंडरप्ले किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, फर्स्ट सीजन में इनका जो ऑरा था बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, पूरा कम्प्लीटली नेगेटिव करेक्टर का और बहुत ही अलग वाइब्स थी और स्केरी वाइब्स थी। हमें सीज़न 2 में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, यानी कि इनके करेक्टर की जो स्ट्रेंथ है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ जैसे देखने को नहीं मिली। और इस सीज़न में काफ़ी उस करेक्टर को बर्बाद किया गया है, पॉजिटिव टाइप का बना दिया। तो करणवीर बोहरा ने बेसिकली ये कहा है कि जो स्क्रिप्ट है वो इस तरह की थी कि विराज डोबरियाल का करेक्टर उस तरह की स्ट्रेंथ का नहीं था जैसा कि वो सीज़न 1 में था, उस लेवल की नेगेटिविटीज़ में नहीं थी। करणवीर बोहरा ये भी कहते हैं कि जो भी एक्टर काम करते हैं वो उसी पे बेस्ड होता है, उन्हें जो मटेरियल दिया जाता है। अब मटेरियल ही ऐसा था, स्क्रिप्ट ही ऐसी थी जिसमें करेक्टर को ओरिजिनल स्ट्रेंथ और करेक्टर की जो ओरिजिनल एसेंस है वो कायम रख ही नहीं पाए मेकर्स, तो इसमें एक्टर्स की क्या गलती। और ये बात तो कम्प्लीटली सही है बिकॉज सबसे बड़ा इशू यही था इस सीरियल के साथ कि विराज के करेक्टर को पॉजिटिव बना दिया और कम्प्लीटली चेंज कर दिया जिस तरह का वो करेक्टर था, और वो फील ही नहीं हो रहा कि वो सीज़न 1 वाला करेक्टर है। करणवीर बोहरा सीज़न 3 के बारे में भी ये चीज़ कहते हैं कि वो होप करते हैं सीज़न 3 हो, और अगर कभी सीज़न 3 बनता है तो ये होप करते हैं कि मटेरियल जो है वो ऐसा हो, मेकर्स ऐसे हो कि वो ओरिजिनल सीज़न 1 वाले एसेंस को कायम रखें, करेक्टर्स को वैसे ही रखें जैसे कि वो पहले सीज़न में ओरिजिनल सीज़न में थे, और जो हमारी ऑडियंस है उनके बदलती चॉइसेस को ध्यान में रख के वैसे ही सीरियल को चलाएं, ऐसा नहीं कि सीज़न 1 की स्टोरी कम्प्लीटली रिपीट कर दें। और करणवीर बोहरा ने यह भी कहा कि वो नेगेटिव रोल्स करना चाहते हैं और सीज़न 2 में तो चलो ये ज़्यादा नेगेटिव साइड दिखा नहीं पाए विराज की, लेकिन आगे जो रोल्स मिलेंगे उन्हें वो यही चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि नेगेटिव वाले कैरेक्टर्स आएँ, एंटेगनिस्ट विलन वाले कैरेक्टर आएँ, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, इन्हें प्ले करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये था रिएक्शन करणवीर बोहरा का सीरियल के ऑफर जाने पर। कमेंट सेक्शन में बताइए आप एग्री करते हैं या फिर नहीं। मैं तो कम्प्लीटली एग्री करता हूँ इन्होंने जो भी कहा उसके साथ। और सारी अपकमिंग स्टार भारत की न्यूज़, करणवीर बोहरा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।